हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू परे भीष्म पर्वम दोस्तों ई एंजॉयड ई एंजॉयड यानी एंजॉयड वाचिंग दिस मलयालम फिल्म यार सबसे पहली बात तो जो वो स्टोरी है जो वो मैरिनेशन हुआ है गॉडफादर और महाभारत का रे यार वो मैरिनेशन यार देखने में बहुत बढ़िया लगा सुप प्रेजेंटेशन यार नंबर टू कैरेक्टर्स जो कैरेक्टर्स है इस फिल्म में वो फैमिली मेंबर्स यार एक एक कैरेक्टर्स चाहे हो भस्सी हो या फिर शाइन टॉम चैको हो दिलेश पोतन हो या फिर वो प्रीस्ट हो या फिर वो चश्मिश क्या मोली हो यार <laughs> ऐसे एक एक कैरेक्टर्स को खड़ा किया उनको देखने में उनका बिहेवियर पैटर्न उनका मैनरिजम उनका डायलॉग्स उनका सब कुछ शो

मजेदार डायरेक्शन सुपर बाय अमल एंड ऑफ़ कोर्स ग्रैंड फिनाले तो मम्मू का अरे मम्मू का का जो प्रेजेंटेशन हुआ यहां से मैं चालू करता हूं मम्मू का का प्रेजेंटेशन आप देखो दिस इज आउट अ सुपरस्टार मेगा स्टार शुड बी प्रेजेंटेड उनका स्टाइल उनका स्वैग उनका करिश्मा को इंटैक्ट रखा और डायलॉग डिलीवरी जब मम्मू का डायलॉग डिलीवरी करता है तो पंच तो होना ही होना चाहिए मजेदार पंच वाला डायलॉग दिया उनको यार और जो डिलीवरी करता है मम्मू का हाउ ब्रिलियंट इट वॉज टू वॉच मम्मू का ऑन स्क्रीन और उनका पर्सनैलिटी हाउ हैंडसम ही लुक्स एक सीन है जिसमें चल के आता है मम्मू का स्लो मोशन में वो पल्सेटिंग बीजीएम बजता है ऐसे बाल वाल हिलाता है और फिर एक्शन करता है यार टेरिफिक सीन टू वॉच मम्मू का एब्सोल्युटली रॉकड इन यार एंड ऑफकोर्स स्टोरी तो यार मैंने बताया वो मैरिनेशन है ड फादर और महाभारत का लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न जो होता है जिस तरह से स्टोरी चलता है स्पेशली सेकंड हाफ में बांधे रखेगा आपको एंड प्लस ऑफकोर्स शाइन टॉम चैको वेन आई स्पीक अबाउट कैरेक्टर मे बेस्ट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मी वॉर शाइन टॉम चैको वॉर एक्टिंग यर अरे वो गुस्सा जो दिखाता है और जब मम्मू का आता है, सामने एकदम बिल्ली बन जाता है एंड प्लस द बेस्ट सीन द मोस्ट मोस्ट द फनीएस्ट एवर सीन इन द एंटायर फिल्म इज दैट सीन जहां पर शाइन टॉम चाहो एक एक्टर को बोलता है डांस डांस कैसे करना है है यार यार अरे यार, वो जो डा, दिखाता है, उसके बाद जो डांस होता है जो कोरियोग्राफी है जो सॉन्ग है यार इतना मतलब आप हंसोगे ना यार मजेदार लगा वो सीन यार और बहुत सारे सीन ऐसा डाला है बीच बीच में वो मौलिका हो या चश्मे च बैठी है या फिर वो टर्मिनेटर वाला सीन हो या फिर वो क्या उसको बोलते हैं मम्म का बोलता है यार <laughs> यार मतलब इतना सारा इतना सारा एलिमेंट्स है ना कि आपको बांधे रखेगा यार आई एम गोइंग विद्री पॉइंट फाइव इवन फोर स्टार्स बिकॉज दिस इज सुपर सिनेमा दिस इज वेरी 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 गुड राइटिंग आई वुड से वेरी गुड डायरेक्शन एंड प्लस वो मसाला भी है इसमें ऐसा वाला मसाला नहीं कि ओवर मसाला है जिसमें देखने में मजा नहीं आता है. ओवर एक्टिंग चल रहा है सुपरस्टार के नाम पे वैसा कुछ नहीं है जो एक्टिंग करता है मामू का जो एक्टिंग करता है सटल है एट टाइम्स एकदम के साथ करता है लेकिन जो वो सुपरस्टार का एक जलवा होना चाहिए जो वो एक फ्लेवर होना चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा भाई जाकर देखो यार भीष्मी पॉइंट फाइव नहीं फोर स्टार वापस मैं बोलता हूं दैट इज वॉट आई एम रेटिंग दिस फिल्म अगर आप लोग देखा है भीष्म पर्व तो लिखकर बताना आपको कैसे लगा ये मलयालम फिल्म चलिए फॉर द मोमेंट टाटा